इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया है और 27 बैंकों को हाई अलर्ट पर रखा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 27 बैंकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इतना बड़ा स्कैम देश में चल रहा है, आप कैसे इस स्कैम से बचेंगे और क्या है ये पूरा स्कैम और कैसे आप तक आँच आ सकती है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बिना समय गवाए शुरू करता हूं आज की इस चर्चा को। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ये पूरा मालवेयर ड्रीनिक नाम के एक एप्लीकेशन से एंड्रॉयड यूजर्स के मोबाइल फोन्स में चल रहा है। अब एप्पल में क्यों नहीं चल रहा, आईओएस में क्यों नहीं चल रहा, एंड्रॉयड में ही क्यों, वो भी बताऊँगा। पहले बात करते हैं ये फ्रॉड कैसे होता है। जो भी हैकर है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक एसएमएस भेजता है। उस एसएमएस में लिखा होता है फलाना धकड़ा मकड़ा, आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलना है। अब इनकम टैक्स रिफंड का नाम सुन के चाहे कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरता भी नहीं हो, वो भी उस लिंक पर क्लिक करता है और उस लिंक पर क्लिक होते ही एक ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। और उस ऐप के डाउनलोड होने के बाद वो एप्लीकेशन आपसे 4-5 चीज़ों की परमिशन मांगता है। अब आप इनका दिमाग देखिए कितना तेज है। वो आपसे परमिशन मांगता है कॉल लॉग्स की, एसएमएस की, कॉन्टैक्ट्स की, ये 3-4 परमिशन वो आपसे मांगता है। अगर आप अलाउ कर देते हैं तो ठीक है, अगर आपको अलाउ उन परमिशन को आप अलाउ नहीं करते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर इनकम टैक्स का एक फेक पेज आपके सामने आ जाता है और फिर उसमें आपकी 2-3 डिटेल मांगते हैं। फोटो थोड़ा सा धुंधला स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका पैन, इस तरह की ये डिटेल मांगते हैं। अब जैसे ही आप इस कॉलम्स में अपनी डिटेल्स सारी भर देंगे तो फिर ये क्या करेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इतने हज़ार का रिटर्न मिला है, आपको इतने हज़ार का बोनस मिला है, क्या आप उसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और नीचे एक ब्लू बॉक्स होता है जिस पर लिखा होता है ट्रांसफ़र। तो अब लालची हैं लोग। देखिए, भारत में ये इस तरह के स्कैम इसीलिए होते हैं क्योंकि लालची हैं। वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ देखी थी ना आपने, जमताड़ा कुछ ऐसी ही है। लालच से भरी हुई है हमारे देश की जनता। तो मैं बात करता हूँ इसकी, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं अपने बैंक में इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, ये एरर आ जाएगा फिर उस पेज पर, और फिर ये कहेंगे कि स्क्रीन को अपडेट कीजिए, आप रिफ्रेश कीजिए। अब इसी प्रोसेस के दौरान इन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट किया है, बस इतने से ही समय में आपके पैन कार्ड की डिटेल से, आपके नाम की डिटेल से, आपके एड्रेस की डिटेल से ये पता लगाएंगे कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, आपके पास नेट बैंकिंग है या नहीं। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, नेट बैंकिंग होगा, ये क्या करेंगे, उतने ही कम समय में उसी पर्टिकुलर बैंक की एक फेक नेट बैंकिंग की स्क्रीन बना लेंगे और उसमें आपकी डिटेल्स मांगेंगे, आपका नेट बैंकिंग का यूज़र नेम, आपका पासवर्ड। और जैसे ही वो पासवर्ड आप उसमें भरेंगे, गड़गड़ गड़गड़ गड़ सारा पैसा आपके अकाउंट से गायब। 20-30 रुपये या 50,000 रुपये किसी के अकाउंट में है, लाखों रुपए किसी के अकाउंट में है, चुटकियों में गायब। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी एक बैंक की वेबसाइट के साथ ऐसा खेल रहे हैं, 27 बैंकों की वेबसाइट के साथ ही खेल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक बैंक हैं। ऐसा ही एक स्कैम 2016 में भी सामने आया था, लेकिन तब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी, तब ये SMS स्कैम के नाम से कहलाया था। कभी टाइम लगे तो गूगल पर डाल के पढ़ लेना। तब ये SMS के थ्रू हुआ था, अब ये इवोल्व हो गया है एप्लीकेशन के थ्रू। अब मैं बात करता हूँ एंड्रॉयड में क्यों हो रहा है, ये एप्पल यूजर्स में क्यों नहीं हो रहा, जो iOS यूजर्स हैं उनके साथ ये फ्रॉड क्यों नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, और जो iOS परमिट करता ही नहीं है। एप्पल के मोबाइल में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, वही एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो सिर्फ ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, लेकिन एंड्रॉयड में आप अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को हटाकर ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टारगेट कर रहे हैं एंड्रॉयड यूज़र्स को, और गवर्नमेंट ने भी एंड्रॉयड यूज़र्स को ही
अलर्ट भेजा है कि आप सतर्क रहें, ऐसा स्कैम आपके साथ हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ इससे आप बच कैसे सकते हैं। इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जो सिक्योरिटी मेजर, जो सेफ्टी मेजर्स बताए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बेसिक हैं। कोई भी स्कैम हो या ना हो, आप इनको अपने मोबाइल फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। जो एप्लीकेशन, जो जेन्युइन ऐप्स हैं, वो गूगल प्ले स्टोर पर आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स की, एप्पल यूज़र्स तो बाहर ही हो गए, क्योंकि जो ऐप स्टोर पर ऐप हैं वो ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर जो भी सर्टिफाइड ऐप हैं या गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप हैं उनको ही इंस्टॉल करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि गूगल प्ले स्टोर पर सारे ऐप सेफ हैं, हैकिंग उनसे भी हो सकती हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहला मेजर तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। दूसरा, जो भी ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें वो किसी लिंक के थ्रू ना करें। होता ना कई बार SMS आ गया कि ये APK डाउनलोड कीजिए, उसको आप डाउनलोड ना करें। तीसरा, अननेसेसरी लिंक्स पर आप क्लिक ना करें। होता ना कि इतने हज़ार की लॉटरी लग गई, इस लिंक पर क्लिक करें। कई बार फ़ोन भी आता है कि इतने हज़ार की लॉटरी लग गई, आप हमें ये डिटेल दें, तो आप जिसका भी फ़ोन आए लालच में ना आए, उसको कह देंगे भाई साहब बहन इस लॉटरी के पैसे की रकम को आप अपने पास ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि 50,000 की लॉटरी के चक्कर में आप कई बार कई लाखों रुपए का नुकसान करवा बैठते हो। OTP वगैरह शेयर ना करें। शुरू में जब ये स्कैम चला था 2016 में, SMS स्कैम था, वो OTP से ही चला था। लोग क्या करते, OTP बता देते थे कि सर आपकी इतनी लॉटरी लग गई। जमतारा एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर, उसको आप देखिएगा कभी टाइम लगे तो, वो इसी ऑनलाइन स्कैम के ऊपर है। चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, जितने भी ये शॉर्ट लिंक होते हैं ना, जैसे bt.pll.cia, इस तरह के लिंक पर आप क्लिक ना करें। जो प्रॉपर लिंक है https से शुरू होने वाला और लास्ट में .com से ख़त्म होने वाला, इस तरह के वैलिड लिंक्स पर ही आप क्लिक करें। क्योंकि अगर आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपके जो भी फ़ोन के अंदर आपकी जितनी भी डिटेल हैं वो बैकग्राउंड में चलेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और हैकर के पास आपकी सारी डिटेल पहुँच जाएंगी। तो इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रख के आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते हुए जाइएगा। अपडेट्स के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।